हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं, हम अपने कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमें कमेंट आया था, मेल भी आया था, और ये जो हमें कमेंट किए हैं, हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पर भी जुड़े हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया है, फेसबुक पर भी फॉलो किया है, और साथ ही आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। तो आपने हमें, मैं नाम नहीं ले सकती इनका और इन्होंने कमेंट किया था कि मैम बताइए, महिलाएं हस्त मैथुन कैसे करती हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं और हस्त मैथुन करने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो आज इसी के बारे में पूरे डिटेल में हम आपको बताएं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, अगर आपको कोई सवाल हो तो बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, हम बता देते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, हस्त मैथुन क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है, जब उन्हें सेक्स की इच्छा होती है, संबंध बनाने की इच्छा होती है, जब उनके अंदर उत्सुकता आती है, उत्तेजना आती है, जब उनको पार्टनर नहीं मिलते हैं सेक्स करने के, तो अपने उस उत्सुकता को कम करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ही हस्त मैथुन करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएं कि हस्त मैथुन करने के फायदे भी होते हैं। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं, जो लोग ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं या फिर ज़्यादा बोरना वीडियो देखते हैं या फिर ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचते हैं, ऐसे रोमांटिक फिगर देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपके सेक्स की जो है उत्तेजना बढ़ जाएगी, आपको इच्छा होगी कि हाँ मुझे बस करना है, मेरी चाहत हो रही है, मुझे पूरी करनी है। तो ऐसे में जब आपको पार्टनर नहीं मिलते हैं तो आपके अंदर क्या है कि एक उसे बुझाने के लिए आपको जो भी समझ में आता आप वो कर बैठते हैं, जैसे कि आप हस्त मैथुन कर बैठते हैं। तो लेडीज़ भी ऐसा करते हैं और जेंट्स भी ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जेंट्स तो वहीं अपने हाथों से पकड़ के करते हैं, लेकिन महिलाएं किस चीज़ से करती हैं हस्त मैथुन, कौन कौन से हथियार से करती हैं, हम आपको यहाँ पे वो भी बताएंगे। गाइस, हम आपको बता देते हैं कि 47% लड़के और लड़कियाँ ऐसे होती हैं जो कि किशोरावस्था से ही हस्त मैथुन के शिकार हो जाते हैं। महिलाएं अपने हाथों से पहले अपने प्रवेश पार्ट को सहलाती हैं, वहाँ पे ऑयल लगाती हैं, उसे उत्तेजित करती हैं, फिर बहुत महिलाएं क्या अपनी उंगली से कर लेती हैं, बहुत महिलाएं जो हैं जैसे फलों से या फिर सब्जियों से करती हैं, जैसे कि केला हो गया, बैंगन हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इन सब चीज़ों से हस्त मैथुन करती हैं। बहुत सारी महिलाएं क्या है कि जो गाजर हो गया, मूली हो गया या फिर बैगन हो गया, हस्त मैथुन करने से पहले जो मैन यानी जो पुरुषों का कंडोम आता है उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ उस पर, ताकि योनि में किसी प्रकार का लुब्रिकेट ना हो, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो हस्त मैथुन करने में। तो महिलाएं इस तरीके से करती हैं तो उनके लिए सेफ्टी भी रहता है और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। वैसे हम आपको बता देते हैं, जो महिलाएँ अपने हाथों से हस्त मैथुन करती हैं तो वो पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करके उसे वॉश कर लें, पोंछ लें और अपने नाखून को काट के रखें, ताकि हस्त मैथुन करते समय आपके जो उंगली का नाखून है आपके प्रवेश पार्ट के अंदर न लगे। अगर लग जाता है तो आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हस्त मैथुन करने से पहले आपको बहुत बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जिन लोगों को हस्त मैथुन करने की आदत है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं आपको अभी ये भी बता देती हूँ। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अगर आपको उत्तेजना आ गई है कि मुझे हाँ सेक्स करना है, मेरा मन कर रहा है, आपको रोमांटिक मूड हो गया है, तो ऐसे में अगर आप जब तक हस्त मैथुन ना करें या फिर जब तक आप सेक्स ना करें तब तक आपको क्या है कि अच्छा फील नहीं होता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, ना नींद आएगी, ना आपको कुछ खाने का मन करेगा, एकदम बेचैनी सा बना रहता है आपको, बस वही फील आता है कि हाँ मुझे करना है। जैसे कि दो कपल्स की मैं बात कर लेती हूँ, जैसे कि दो कपल्स हैं, आपस में रोमांस कर रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, उनको उत्तेजना आ रहा है सेक्स के लिए, जब तक वो करते नहीं हैं, ठीक है, जब तक वो करेंगे नहीं तब तक उनको वो प्यास नहीं बुझेगी, उत्तेजना उसी तरह से बनी रहेगी। तो सेम टू सेम ऐसा ही धर लागू होता है जो लोग हस्त मैथुन करते हैं, तो उनके अंदर भी यही सेम सेम होता है। जब वो उत्तेजित हो जाते हैं, अपने हाथों से ही अपने प्रवेश पार्ट को उत्तेजित कर लेते हैं, ऐसे कुछ सोच के, रोमांटिक मूवी या रोमांटिक गाना सोच के उनके प्रवेश पार्ट में उत्तेजित हो जाती है। जब तक वो हस्त मैथुन नहीं करते हैं ना तब तक उनको राहत नहीं मिलती। हद से ज़्यादा यार किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर हद से ज़्यादा आप करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगा। ठीक है, अगर मैं आपको अब मैं बता देती हूँ इसके फ़ायदे के बारे में। जो लोग लिमिट में रह के करते हैं, जो लोग जैसे कभी अगर मन कर दिया हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार या दो बार, जिनका मन कर दिया करने का हस्त मैथुन, अगर वो लोग करते हैं तो इससे क्या उनका जो तनाव आ गया है, तनाव भी कम हो जाता है, अच्छे से नींद भी आ जाती है, मांसपेशियों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई अगर खींचातानी चल रही है, किसी काम को लोग के प्रेशर है तो भी दूर हो जाता है।
ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ आपको इसका डायरेक्ट साइड इफेक्ट ही होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा करेंगे, हद से ज़्यादा करेंगे तब इसका साइड इफेक्ट आपको होगा। वैसे जैसे कि हमने आपको बताया कि महिलाएं भी मास्टरबेशन करती हैं, बहुत महिलाएं उंगली से करती हैं, बैंगन से, गाजर से, मूली से, काकड़ी से, इन सब से करती हैं। बहुत महिलाएं क्या उस पर जो जींस का कंडोम आता है उसका इस्तेमाल कर लेती हैं, तो उनको क्या सेफ्टी हो जाती है, तो इस तरीके से उनको फ़ायदा भी होता है। साइड इफेक्ट तो महिलाओं में ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन जो हद से ज़्यादा करती हैं उन्हीं को साइड इफेक्ट होता है। और हाँ, जो बिना सावधानी के, जैसे अगर आपके उंगली के जो नाखून बढ़ गया है या उसको साफ़ नहीं करती हैं, बिना हाथ धोए, बिना गंदे अगर हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करती हैं, उसमें वहाँ पे ऑयल से मसाज करती हैं, तो वहाँ पे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है।